तो गाइस आज सुबह सुबह डिस्कशन ये हो रहा है कि रोहित को बर्थडे में दिया क्या जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ तगड़ा डिस्कशन चल रहा है और रोहित का बर्थडे आ रहा तो पूछ रहे हम कि क्या चाहिए इसको, और मैं अपना गिफ्ट भी पूछ के देना पड़ता है रियल में गाइस, और मैं सोच रहा हूँ अपना फोन ही गिफ्ट कर दो इसको। हाँ यार 14-30 ले लूंगा और तू उसको दे दे अपना। हाँ और क्या, ये सही है, और 50,000 ले लेते उससे। तो गाइस बिजनेस। तो गाइस ऐसे चल रहा है हमारे बीच में और कम से कम एक घंटे से ये डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो गाइस कमेंट डाउन बिलो हमें क्या देना चाहिए, अगर आप लोगों को लगता है कि क्या देना चाहिए रोहित को सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट, अगर आप लोग रोहित के चैनल को देखते रहते हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि बता देना हमें प्लीज। प्लीज हमारे पॉकेट के हिसाब से बोलना भाई, ज्यादा महंगे मत बोलना। ये डियो और ये क्या क्या है भगवान जाने, मेरे को तो ब्रांड भी याद नहीं है, सिसिल वेसिल पता नहीं क्या। भाई कौन से अभी लिपस्टिक का कौन सा था वे? वायसेल। सो गाइस सुबह सुबह डिस्कशन ये हो रहा है कि रोहित को बर्थडे में दिया क्या जाए, दिया क्या, और ये अपना बर्थडे गिफ्ट खुद से मांग रही है। अपने बर्थडे गिफ्ट में पता क्या होता, तू क्या दे रहा है? अच्छा ये नहीं चाहिए मुझे, नहीं ये मेरे पास बहुत सारे है, ये इसका बर्थडे गिफ्ट, और हमारे बर्थडे गिफ्ट में ये ले शर्ट, ये ले पैंट, ये ले जूते, जो उसका मन करता है, जो उसका मन करता है, जो अपना मन करता दे देती है। और आप क्या दे रहे हो मामा, आप क्या दे रहे हो? मैं तो कुछ नहीं दे रहा, मैंने जिंदगी दे दी है, यही बहुत बड़ी बात। मैंने इतना बड़ा कर दिया, मैंने वही बर्थडे बोला गुची का परफ्यूम दे दूंगा, बट सरोजनी वाला भाई गुची मिलता है वहाँ पे भी ना, और लोग वैसे भी बहुत बदनाम करते हैं। गुची में तो लूची का परफ्यूम होता है, लूची उसमें ढंग से पड़ेगा, गु नहीं होता, लू होता है। गाइस मैंने रोहित को कम से कम 3-4 ऑप्शन दिए, मैंने बोला इनमें से क्या चेक करें, नहीं ये नहीं, पहला परफ्यूम, दूसरा लिपस्टिक, लिपस्टिक नहीं पूरा मेकअप। तो अपना दाढ़ी काट के आई हो, ओए मुझे काट के आई हो, पहला अपने बाप कैमरा कर ऐसे उड़ाए, ऐसे देख रहा ऐश्वर्य ऐसा मुझे अभी जा होलसेल की दो लिपस्टिक ला आश्चर्या, इसका मूंछे देखो कैसे, इसकी मूंछे ऐसे आ रहा है, अपने आपको तो दिखा दे, कैसे मूंछे आ रही मेरी, सैजी की तरह मूंछे हो गई तेरी, लेकिन अच्छा लग रहा है देखी हो। हाँ ठीक तो आ रहा है, अच्छा आ रहा है, काट ट्रिमर करके आ जा, नहीं क्या है ऐसा भूखा जैसा भाई, इतना सा काटने के लिए भी 500 रुपए ले लेता है वो, कोई बात नहीं मैं खुद ही काट दूंगा। अबे मेरे पास तो मशीन है, रोशी काटेगा भाई, मैं साले इसका बोल रहा 100 रुपए ले लेता है, मेरे से कटवाता दाढ़ी भी, इतने थुशु क्या है ऐसा, अच्छे से आ जाओ ना बना के, कम से वीडियो बनाते हो, कम से लड़की देखती है अच्छे से, अच्छा लगना चाहिए ना लड़कियों को। तो अभी जा रहा है मम्मी, सुबह से रोस्ट कर दिया मेरे को यार, मम्मी रोस्ट कर रही है मेरे को कसम से। चलो ठीक है, मम्मा ने इतना बोल दिया गाइस, अब मैं सीधा निकल रहा हूँ, बाल बाल थोड़ा सेट कराता हूँ, फिर वो सारा चिंडो बन के मत आइयो, फिर मम्मी को ना ज्यादा वो पसंद है, बिल्कुल चिकने ना ज्यादा दाढ़ी मुझे पसंद है, मिडल का चाहिए, लेकिन जिस तरह तू दिख रहा है ना मम्मी को वो पसंद नहीं आ रहा एक्चुअली, दिख रहा है कैसा दिख रहा भाई ऐसा, इतना बुरा लग रहा है, अलग अलग भाग रहे गांव में ना, नेपाली को पता है जंगल में ना आग लगती है ना, कई जगह जल जाते, कई जगह थोड़ा रहते, कई जगह जल जाते, ऐसे ओ भाई। सो गाइस मैं तो अब निकल रहा हूँ, बहुत इंसल्ट हो गए, सब मिलके इंसल्ट कर रहे हैं मेरी, पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा मजा यही लेगा, गिफ्ट देगा 1,000 रुपए का और मजे लेगा पूरा 10,000 का। Yes. भाई मेरे लिए याद रखिए एनर्जी ड्रिंक अच्छा वाला लाइयो, बढ़िया क्वालिटी। गाइस रोशन भैया रोहित को कह रही है कि 25 तारीख को इसका बर्थडे पार्टी है, कह रहे मुझे इनवाइट किया है। अब कहीं पार्टी कर रहे, मैं पूछ रहा हूँ मैं इनवाइटेड हूँ, बोल रही हूँ भाई इनवाइटेड है, कम से कम इस बार तो बहुत लोग बुला रही है, बोल रहे 17-18 लोग बहुत होते हैं भाई, भाई बहुत होता है 17-18। 6,000 में क्या आता पता नहीं, 6,000 में एक लिपस्टिक तो आ जाएगी जो तू कह रही है, उसकी लिपस्टिक भी नहीं आएगी 6,000 में, नहीं आ जाएगा है? लिपस्टिक आ जाएगा 3-4,000 में, 4,000 दो लिपस्टिक आ जाएगी 6,000 में भाई, तो मैं हो गया एक काम हो गया, लिपस्टिक दे दिया हमने 6,000 का, ये दो लिपस्टिक दिखाएगी बस मेरे भाई भैया भाभी और मैं सबने मिलके दो लिपस्टिक दिया मुझे। ओ यार क्या जो क्या गिफ्ट देगा सच, तुम क्या दे रहे हो, कर देगा जाके उसके कपड़ों में हैप्पी बर्थडे लिख देगा बॉडी से, हैप्पी बर्थडे टू यू। तू उठी रोही शॉक सैजी रॉक्स जा रहे ड्राई क्लीन, सब ड्राई क्लीन देते हैं, किधर किधर गिरा भी देती हूँ, चलो चलो चलो। गाइस आफ्टर 200 ईयर बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मम्मी कह रही सीट कहाँ पहुँचा दिया, देहरादून
सो गाइस पहुंच गए हैं हम रोही के फ्लैट में। तो अब गाड़ी कहाँ खड़ी करे, गाड़ी कोने में दबा देता है। 2 बज गए पता ही नहीं चला टाइम का। चलो 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 उसमें लगा। हाँ कर रहा कर रहा हूँ कर रहा हूँ। हाय पहुँच गए हम फ्लाइट में। लेने क्या आए हम? गरम कपड़े लेने आए हुए हम। ऊपर वाला मामा ऊपर वाला है माथी छा माथी। हाँ काम घुस रहे थे। व्हाट अ लवली व्यू गाइस। देखो यहाँ से जैसा हमारे घर से दिखता है वैसे ही दिखता है अपार्टमेंट सामने। गाइस जिस चीज के लिए आए वही नहीं बता। विंटर के कपड़े ही नहीं है। तो फिर कहाँ चले गए कपड़े? चोरी हो गए क्या? कबर्ड वर्ड में तो नहीं? इन कबर्ड में देख लो इनके अंदर हो कभी जाली वाली। ये देखो ना यहाँ भाई ये क्या है सामने। ये देखो बस बालकोनी देखो ज़्यादा बड़ी नहीं है बट ठीक है बैठने के लिए कंफर्ट है। और ये देखो कितना बढ़िया यहाँ से भी सही है। ये भी एरिया काफ़ी अच्छा है। ये है कॉमन बालकोनी और देखो कितना सही है बैठने का। ये भाई बहुत सही है रे। और यहाँ पे मैंने एक रील बनाई थी जो रोही ने शूट किया था। और बाकी ये गाइस अब मैं यहाँ से सीधा अपना काम के लिए निकलूँगा बिकॉज अब वही कि कुछ काम था वो मिल नहीं रहा। विंटर के कपड़ों के लिए आए हुए थे यहाँ पे बिकॉज काफ़ी कपड़े यहीं रख दिया था विंटर के लिए तो मिल नहीं रहा। और ड्राई क्लीन भी कराना था काफ़ी टाइम बाद आया। और इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यहाँ पे आई और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उस वीडियो में। और अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर वीडियो देख लेना। मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिसमें मैंने एक दिन अकेले रहने का चैलेंज करा था। फटी बहुत थी मेरे। चले को खोलना कौन सा वाला घर? अच्छा माते का। चलो चलो यार ये याद ही नहीं कहाँ रखा है विंटर के कपड़े। चलो देखो लाइटिंग बड़ी अच्छी थी। चेसी का भाई आ रहा है मामा। चलो घर जाके रुको तो खोलने दो। मैं सोच रही हूँ बैग में वाला पास जाऊँ। सब दे दूँ। हाँ हाँ पीछे बैठोगे क्या? यार तो गाइस मिला नहीं यार विंटर कपड़े यहीं रखे थे तो विंटर के कपड़े मिले नहीं तो काम बढ़ गए। तो अब इसके बाद मैं जाऊँगा सीधा घर। और घर इसके बाद घर जाना तो घर जाके कहाँ ढूँढूँ? अब क्या करे यार एक काम के लिए आते वो भी काम नहीं हो रहा क्या आजकल ना रिसेंटली कुछ भी काम हो नहीं रहा सही रहा ना। तो ये गाइस सच में यार ये कहाँ अड़ गया? खींचो थोड़ा जान लगा। अरे तोड़ दोगे क्या मेरी माँ? देखो देखो मुझे तुम दो ये तो रहा यहाँ से ऐसे खींचना होता। अच्छा अटका दिया क्या यहाँ? कैसे बैठ रहे हो वो बैलगाड़ी में बैठ रहे हो क्या? गाड़ी गंदा हो गया। खींचो यार खींचो। पहली बार बैठ रहे हो क्या गाड़ी में? जब आप लोगों को सीधा रात को ही मिलूंगा बिकॉज उसके बाद सीधा मुझे निकलना है ग्रेटर नोएडा। तो अब रात को मिलते गाइस। लेटर पहुंच गया हूँ और हालत देख लो कैसी पड़ी है। बिल्कुल आज तो चिकना हो गया है बिल्कुल। और हमारा शैशी बिल्कुल भैया और भाभी के रूम में बैठा हुआ है आराम से। राजा है राजा। सो गाइस घर आते ही अभी अब मुझे करना है जल्दी से भूख लग रही है मुझे करना है डिनर। देखो गाइस शैशी कैसा हो गया। देखो शैशी बन गया। बाबू तो टाइगर हो गए हो तुम तो। कौन कौन पहचानता है प्लीज कमेंट डाउन बिलो। ये कैलिम्पोंग को कैलिम्पोंग का ये फेवरेट मिठाई कैलिम्पोंग लिखा हुआ है गाइस। जरा पूरा 35 रुपीज का है। देखो कितने सारे मुझे बहुत पसंद है गाइस लॉलीपॉप ना। और ये बटारे कौन लेके आया यार कैलिम्पोंग से कोई आया क्या? वाह रे वाह गाइस देखो शशी को क्या पहना दिया। शशी के लिए अब कपड़ा भी लेना पड़ेगा। देखो ना हाँ हाँ गुस्सा तो करोगे तुम।
उतार भी नहीं रखा ये सही लग रहा है इसको ना मैं। ओ भाई क्या कर रहे हो मैं आज वैसे बना के आ रहे हो दाल चावल भाई कैलिम्पोंग की सारी चीज आ गई क्या वाई वाई भी मिनी वाई वाई सब चीज लेके आ रहे क्या कैलिम्पोंग से अच्छा सो गाइस देख रहे हो चाची क्या कर रहे हो वो देखो उसको देखो सास और बहू निकले शॉपिंग के लिए सब्जी की शॉपिंग ठंडी लगेगी भाभी आपको आप क्या पहन के जा रही है साढ़े आठ चलो ब्रदर वर्सेस सिस्टर पार्ट थ्री नहीं 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 गाइस अभी हम लोग कोई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले और आप लोग उस पर जल्दी वीडियो मिलेगा जल्दी ऑफिस में देखो गाइस कौन सो रहा है बॉस सो रहे हैं यहाँ तो दस बारह घंटे बॉस तो सो रहे हैं यहाँ पे अच्छा उठ गए बाहर बहुत कंटेंट घूम रहे हैं देखे कितना बढ़िया लग रहा है यार सच में ना ठंड आ गई भाई तो गाइस रात का डिनर ये है और यहाँ पे मम्मा दवाई पी रही है खांसी की और ये रहा पागल जेम्स कैमरून भाई गजब बंदा है यार डिनर करके मिलते हैं आप लोगों को सो गाइस डिनर डन हो चुका है और इसी के साथ इस वीडियो को व्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पे नए गए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ टाटा बाय बाय एंड सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस लव यू एंड गुड नाइट